हाँ जी भाई, तो सोचे इस बार बताने के लिए कुछ अलग जगह पे बैठा जाए, कुछ अलग मेमोरी के साथ बैठा जाए। तो याद कीजिए, यही जगह पे अक्सर आप लोगों को हम लोग वीडियोस बना करके देते थे। और अभी उन वीडियोस पे जो मेरा मोस्ट व्यूड है, यहीं का वो लोकेशन है 4.5 लाख व्यू के साथ। तो यही वो जगह है। निशा अपना मंगलसूत्र को रखता है, घुरा घुरा दिखा रही है यार। नहीं नहीं, ये इधर हो गया था ना। वो सब बात को हटाते हैं, बात करते हैं मुद्दे की, क्या मुद्दा हुआ था, क्या एक लड़की का मैटर है। ठीक है, तो निशा को तो उतना नहीं पता, पर मेरे को 100% हो गया पता। बात ऐसा है कि मैं अभी एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, ठीक है, कोई रील था, मनाली का रील था, ठीक है, जिसमें मैं केक काट रहा था ना हमारी हनीमून के लिए, जहाँ केक वेक रेडी किया गया था। जो ऐसा कि बताया, एक फ़ोटो मैंने पोस्ट किया था, तो उसके नीचे आया एक कमेंट, ठीक है, और वो कमेंट ये आया कि भैया मैं ना कल ही अपने GF से बात किया था, ठीक है, और मैंने आपसे भी बहुत पहले से भी बात कर रखा था कि भैया हम लोग मैरिज करेंगे, जो अभी कुछ टाइम है, अभी वेट करते हैं, क्योंकि लड़का का एज शायद 19.5 या 20 है, ठीक है, डॉक्यूमेंट पे, और लड़की भी 18+ थी, पर सोचा था लड़का 21 हम लोग हो जाएंगे ना, अब हम लोग मैरिज वगैरह कर लेंगे, ऐसा बोल रहा था लड़का। तो वही बात हुआ था, मेरा लास्ट बात उससे जो हुआ है दिसंबर में हुआ, 5 दिसंबर को। पर उसने जब कमेंट किया तो उसी प्रोफाइल पे मैं पहुंचा, जाकर के मैसेज वाले सेक्शन में देखा तो वाकई में रियलिटी में उससे मैं चैट कर रखा था, ठीक है। तो उसने कमेंट में मेरे को ये लिखा था आज के फ़ोटो में कि भैया क्या बताऊँ भैया, चलो उस कमेंट को भी मैं लगा दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि उसकी जो है कल ही अपनी GF से बात हुई थी इवनिंग में, और शायद सुबह में भी हुआ है बात, उसके बाद वो फोन ही नहीं मिला, मतलब वो RIP हो गई है, ऐसा वो लिखा है, ठीक है। सो ऐसा ये बात लिखा है, तो इसी बात को सोच रहे थे आप लोगों को समझाने के लिए कि देखो, उससे जब इंस्टा पे बात हुआ था ना, तो मेरे को पता है कि वो क्या कह रहा था, क्योंकि अभी मैं चैटिंग चेक किया था। तो बात ये था कि उसके घर वाले राज़ी नहीं थे, मतलब लड़की के घर वाले बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। लड़का के घर वाले तो राज़ी थे, पर लड़का के मुद्दा पर उतना नहीं हुआ था बात, मेरे को बस वो लड़की के ही बारे में बताया था कि जो लड़की के घर वाले राज़ी नहीं थे, ठीक है। तो मेरे को भी लगा कोई बात नहीं, हर किसी के फैमिली में यही होता है, और इतना स्ट्रिक्ट था उसका फैमिली, लड़की का फैमिली, जैसा कि उसने बताया था कि लड़की को बिल्कुल भी एग्री नहीं था कि वो उससे शादी कर ले, मतलब इतना पैक कर दिया उसको कि ना ही निकल सकता है, ना ही इधर जा सकती है, ना ही उधर जा सकती है, जेल। हाँ, एक जेल की तरह समझ लो। ऐसा ही होता है ना हर एक लड़का लड़की के साथ, जब पता लग जाता है, लड़का को तो चलो आज़ादी मिल भी जाती है, पर लड़की को बहुत कम चांस होता है आज़ादी मिलने का, बिकॉज इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि घर वालों को लगता है अगर जो इसे छोड़ दे तो ये जा करके उससे मिलेगी। एक मतलब मन में बहुत प्रकार के भावना आ जाते हैं, बहुत प्रकार के थाट्स आ जाते हैं, और आना जेन्युइन भी है भाई। हर किसी के फैमिली की नज़र से सोचे तो हर कोई चाहता है हम अपने बच्चों पर नज़र रखें, मेरा बच्चा कुछ गलत ना करे, मेरी लड़की कुछ गलत ना करे, हर किसी गार्जियन का थॉट है। तो यही होगा इनका भी फैमिली में, ठीक है, बट पता नहीं क्या हुआ, ऐसा हुआ होगा कि मैटर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा, हो सकता है लड़की वाले लड़की को प्रेशराइज कर रहे होंगे कि तुम उसको भूल जाओ, ये करो वो करो, कुछ भी बोला होगा, जिसके कारण लड़की ने सुसाइड कर लिया जी, RIP हो गया, जैसा कि इसने लिखा रेस्ट इन पीस, मतलब वो तो शायद वो मर गई लड़की। तो इससे आप लोगों को हम यही बताना चाहते हैं, प्लीज़ चाहे कुछ भी हो जाए जी, जान देना ये कोई सल्यूशन नहीं होता। अब हो सके लड़का भी टेंशन में आकर के जान वान दे दे, अगर जो भाई तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई तुम ये जान लो, ये सब अच्छी बात नहीं, जान वान देना। घर वाले नहीं मान रहे थे तो क्या, जब आपको भागना था तो आप भाग जाते, हमारे भी घर वाले नहीं मान रहे थे तो हम जान दे दिए क्या, हम जेल भी गए तो क्या ये जान दे दी क्या, नहीं, बस बाद में जैसे ही समय मिला, मौका मिला हम लोगों को, हम लोग भाग गए, ऐसा किए, तो भाग जाइए वो सल्यूशन है, पर जान दे देना ये सल्यूशन नहीं है। और नहीं मानता और आपको लगता है कि लड़का वही मेरे लिए परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो घर वालों के अगेंस्ट जा कर के या तो भाग करके मैरिज कीजिए, या जैसे करना है कर लीजिए मैरिज, या तो उसे भूल पाते हो तो भूल जाओ लड़का को या लड़की को, जिसको भूल सकते हो तो भूल जाओ, नहीं भूल पाते हो तो सुसाइड कोई सल्यूशन नहीं है मेरे समझ से, ठीक है। मैं इस बात में एग्री कर लूँगा कि चलो घर से भाग जाओ, हर किसी को मतलब भागना नहीं चाहिए। हाँ, उसका फेस करो, सामना फेस करो, लो उसमें भाग लो। हाँ, उसमें उसको भाग लो, मतलब ये कि उसका सामना आप करो, उससे भागो नहीं उस प्रॉब्लम से। हाँ, उसका निदान करो तो, आगे लाइफ में और कैसे कैसे प्रॉब्लम आएगी। आपके पास ऐसा प्रॉब्लम था तो आपके पास और भी ऑप्शन थे, आप घर से भाग जाते, ऐसा आप कर सकते थे, लेकिन आपने इतना जल्दी इतना बड़ा डिसीजन लिया है। आपको मैं सब लड़कियों को बताना चाहूँगी, आज वो लड़की तो मर गई, लेकिन उनके फैमिली वाले भी कितना अफसोस कर रहे होंगे खुद पे, कि अगर
शायद ये जो बोल रही थी वो मैं इसे करवा देता तो आज, चलो कोई नहीं, समाज से ही दूर होती ना, हमसे दूर होती, लेकिन ये जिंदा तो होती, खुश तो होती, मेरी बेटी तो कहलाती, स्वाति, ऐसा तो होता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि वो मर जाती, हमारे ऊपर एक कलंक लग जाता। ऐसे तो हमारा उनके माता पिता के ऊपर वही दोनों जान रहे कि हमारे ऊपर एक कलंक लग गया है कि हमने अपनी बेटी को ही मारा, हमने उसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनकी फैमिली को भी लग रहा होगा कि मेरी ही वजह से ये मरी, ये लड़की जो भी की है हमारी ही वजह से, और थोड़ा बहुत उनका भी हाथ है। पर देखो एक बात है मेरे भाई और बहन, हर किसी फैमिली का, जब आप भी माता पिता बनोगे तो आप भी यही कोशिश करोगे कि हो सकता है वो लड़का सही ना हो, उससे दूर रहे, ये करे वो करे, पर ये हर कोई फैमिली चाहेगा जी, क्योंकि देखिए आप उस लड़के को जानते हो, आपका फैमिली नहीं ना जानता, तो हर कोई चाहता है गलत हाथ में नहीं पड़ जाए मेरी लड़की। और आप उससे बात करते हो, चित करते हो, हर चीज़ आप उसके बारे में जानो, लेकिन आपके फैमिली थोड़ी उससे बातचीत कर, बस धीरे धीरे जानता है। जैसे मेरा ही मैटर था तो एक टाइम इसके भी फैमिली हमारे अगेंस्ट थे, हो सकता है अब वो लोग भी आशीर्वाद देते जायज होता है। आप ऐसे किसी अपने बच्ची को किसी ऐसे अनजान लड़कों के साथ कैसे कहीं रवाना कर सकते हैं, जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, प्रॉब्लम को भी समझा कीजिए, समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, आप भावनाओं को भी समझिए। हाँ जी, अगर जो आपको लगे कि नहीं नहीं मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ या रह ही नहीं सकता हूँ तो भाग जाओ, वो सही कहूँगा मैं, लेकिन मर जाना ये कोई सल्यूशन नहीं है, बिल्कुल ये गलत बात है। ठीक है, किसी के लिए आपने जान दे दिया, चलो ठीक है, अब क्या बोलूँ, मुझे आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट आप लोगों के लिए जो जो अभी इस मैटर में हो उसको मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, ये सब गलती मत कीजिएगा, भूल से भी ये सब गलती मत करो, क्योंकि ये सब समझ रहे हो बहुत बड़ा बड़ा गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये गलती नहीं, ये पाप है। माता पिता भी ऐसे में डर जाते हैं कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा डांटेंगे भी नहीं, वरना वो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। भाई तुम्हें जन्म दिया है तो इतना उन्हें अधिकार है मारेगा पीटेगा, हम भी बहुत मारगारी खाएं भाई, इसका मतलब क्या हम मर गए हैं? नहीं भाई, हम तो जेल तक गए हैं फिर भी जिंदा है, क्या समझे, जीने आए भाई, बड़ा ही कठिन से ये हम लोगों को मानव शरीर मिलता है, और ऐसे ही गवा देना। गीता में भी लिखा हुआ है कि हमें मतलब सुसाइड, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या करने से बिल्कुल नरक की ज़िंदगी वो जीते हैं, कहीं भी उनको वास नहीं मिलता, उनकी आत्मा हमेशा भटकती ही रहती है, तो ऐसा कैसा मौत जहाँ भटकते ही रहे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी, ना ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो आप बताइए, आप चाहिएगा कि हम मरने के बाद हमें कहीं हम हर जगह भटकते रहे, या फिर हमें स्वर्ग में मिले, या फिर हम अपने जगह पर एक जगह स्थापित हो जाएँ? ये ये स्पिरिचुअल बातें भी बता रही है, और रियलिटी भी यही है कि जान देना उचित नहीं था, समय का इंतजार करते, जैसे ही मौका मिलता भाग जाते या कुछ कर लेते, पर ये देखो जान जो आपने दे दिया, और भी लड़की है जो गुस्से में सोचती है, बहुत सारी लड़की से मेरी भी बात होती है, लड़का भी कहता है भैया एकदम मरने का दिल कर रहा है, भैया क्या बताऊँ उसके बिना नहीं रह सकता, मर जाऊँगा ये कर लूँगा, भाई क्या बोलूँ तुम्हें, मर जाना कोई सल्यूशन थोड़ी है, सल्यूशन निकालो, हम भी मर जाते इससे बढ़िया, हम भी जेल गए थे भाई इसके बिना रहे थे, मेरा भी मरने का मन किया था, मर जाना तो मर गए, प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है भाई, क्या समझा, तो प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, अब बताओ मर जाओगे तो क्या, बढ़िया ये सोचो ही नहीं, तो प्रॉब्लम का सामना करना सीखो, इसका मतलब आप बहुत कमजोर हो, आप समस्या से भाग जाते हो, इसका मतलब आप बहुत कमजोर हो। ठीक है, तो यही सब आप लोगों को समझाना चाहते थे कि गुस्सा में आकर के, आवेश में आकर के ऐसा कोई डिसीजन नहीं लीजिए, समय का इंतजार कीजिए, अगर जो भागना होगा तो भाग जाइए, वरना घर वालों को मनाइए, मान जाते हैं तो वो भी ठीक है, वरना अगर जो आप उसे भूल पाते हो तो भूल जाओ, पर मरो नहीं, मरना बिल्कुल ये हमारे समझ से बिल्कुल बेवकूफ़ लोगों की काम है, बिल्कुल हम कहेंगे ये सब बहुत ज़्यादा गलत है ही नहीं सर। बाकी जो जो लगता है बताने का था बता दिया, यही मेरे को भी बुरा लग रहा था, सोचिए आप लोगों से शेयर करें, क्या आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये सही डिसीजन है किसी को अपना जान दे देना, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का क्या कहना है इस मैटर पे, वो जो लड़की ऐसे की है या नहीं की है, या लड़का ऐसे ही कमेंट कर दिया, ये तो हमें भी नहीं पता है कि रियलिटी क्या है, वो डेट की है या नहीं की है, जीवित है या नहीं है, जो भी है, लेकिन ये कमेंट से तो बहुत सारे को मतलब मैं बताना चाहूँगा ना, कमेंट भी किया हुआ था, मतलब इतना भयानक कमेंट है, उन्होंने झूठ, तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के बारे में कोई नहीं चाहेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा कोई स्टेटस लगाए वो मर गई ये वगैरह वगैरह, ऐसा मेरे को ऐसा किसी को कमेंट करे प्लस, और उससे मैं बातें करता हूँ तो वो सब तो बताता है ना कि भैया लगता है यार मर जाऊँ यार, राहुल भाई ये कर लो वो कर लो, बहुत कोई बोलता है सब है कि नहीं, तो ये सब चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है, आपको हेल्प चाहिए, रूम चाहिए, जॉब चाहिए, कोर्ट मैरिज चाहिए, लिव इन चाहिए, एज नहीं हुआ 18 प्लस हो तो लिव इन तो कर सकते हो ना, उन सारे प्रकार की हम हेल्प करते हैं, तो आप उसके लिए हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है rahuldekar00, लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीनशॉट इधर आपको दिखा देते हैं, उसके थ्रू आइए हमसे बातें कीजिए, जानकारियाँ लीजिए, पर मर जाना बिल्कुल पापी लोगों का काम है, हम यही कहेंगे,
जो मरते हो गुनहगार हो, खुद से मर जाते हो, भगवान आत्मा को खींच के ले जाता तो बात की बात होती है, आप खुद से जान दे देते हो। हम लोगों को कितना बुरा लगता है भाई जब कमेंट करते हो, तो हम लोग इतना हैप्पी हैप्पी थे, अभी टेंशन हो गया कि ऐसा ऐसा भी लड़का लोग कर लेता है कांड। तो इन चीज़ों से दूर रहिए, बाकी इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। अगर जो और आप सब लोग उनकी गर्लफ्रेंड के लिए प्रे कीजिए कि उनकी आत्मा को अब शांति मिल जाए, बस और क्या हम कर सकते हैं, उनके लिए यही प्रे कर सकते हैं ना। और हाँ, जिसकी जिसकी गर्लफ्रेंड या लड़का लड़की जो भी गुस्सा हो जाती है, अगर जो किसी के गर्लफ्रेंड या किसी का बॉयफ्रेंड मरने की दिल करता, उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। आप अपनी गर्लफ्रेंड को या आप अपनी बॉयफ्रेंड को शेयर करो ये वीडियो, ताकि वो सब भी ये गलती ना कर पाए। क्या बीतती है यार मेरे भाई, समझ नहीं रहे हो सके लड़का भी मर जाए गुस्सा में आकर के, हो सके इकलौता लड़का हो उसकी मम्मी का वो भी मर जाए, हो सकता है इकलौती लड़की थी वो भी मर गई, समझ रहे हो ना। तो ये सबसे दूर रहना है। बाकी चलिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय। जो जो बताना था उम्मीद करते हैं सब समझ गए होंगे, बाय।